वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे तो मजा नहीं आएगा। तुमने भी विमल खाना चालू कर दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम भी मेरे पति की तरह विमल खाने लगोगे। यही गुटखा पसंद आता क्या तुम लड़कों को? नशा करने का इतने मन था तो बीड़ी पी लेते। बीड़ी? अरे किस बीड़ी की बात कर रही हो तुम? कमला, रोबिन, मोबाइल, मास्टर, हावड़ा, सारी बीड़ियां पीकर छोड़ चुका हूँ मैं। अपने हिस्से का तो विमल हम खा चुके हैं चुन्नी बाबू, अब तो बस अजय और अक्षय का इंतजार करते हैं। क्या कहें ये दुनिया वालों को जो हम तीनों को गुटकेबाज के नाम से जानते हैं। वाह, खूब मिष्टी दादा, ये तो शेर से शायरी हो। विमल को कोई पान मसाला कहे तो ऐतराज नहीं, तकलीफ तो तब होती है जब कोई गुटका कहकर मांगता है। अबे ये ऐसी वैसी बकरी नहीं है, मुझसे ज्यादा विमल खाती है ये। शाहरुख से भी ज्यादा, अजय देवगन से भी ज्यादा। उत्तरी की क्या बकरी है यार, लेकिन मैं कैसे मानूं? रुक, किसी से पूछवा देता हूँ। हम दोनों में से विमल ज्यादा कौन खाता है? अजय देवगन ने मुझे एक्सपायरी डेट वाला विमल खिला दिया है माँ, और बढ़िया वाला खुद खा गया। तू मेरी शर्ट धो देगी ना माँ? हाँ मेरे बच्चे, धो दूंगी तेरी शर्ट। मैंने हजार बार मना किया है तुझे किस काजोल के पति के साथ मत रहा कर, गुटकेबाज ने मेरे बेटे को भी गुटकाबाज बना दिया। अबे हटो बे, हटो, विमल की पेमेंट लेनी है। अबे ये तो शौचालय, अबे यहाँ तो विमल की कंपनी थी, कहाँ गई यहाँ से? अरे भाई हमें भी पेमेंट लेनी है, लगता है विमल कंपनी भाग गई। अबे मुझे चक्कर आने लग गए, थोड़ा विमल खिला दो। अपनी दुकान में से एक झोला भर के विमल के पैकेट मेरे घर पे भिजवा देना। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? क्या हुआ शाहरुख, कुछ बोल के नहीं पा रहे, उठो ना, क्या हुआ बोलो ना। अभी ये कभी नहीं बोल पाएगा, हम इसको एक्सपायरी डेट वाला विमल खिला दिया हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाइयों बहनों।